गुड मॉर्निंग। आज मैं जो अपना अपडेट है अंदर से शुरू कर रहा हूँ, बाहर थोड़ी बारिश हो रही है। ये एक पपी आया है 2 दिन पहले, ये ढटम से वहाँ पे जो केमिस्ट हैं उन्होंने कॉल किया है। तो इसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और इसको कल पालमपुर ले गए थे, एक्सरे से पता लगा इसका फ्रैक्चर है। अब इसकी स्प्लिंटिंग ही रहेगी, बट क्योंकि ये पपी है तो रिकवरी इसकी जल्दी हो जाएगी। मैं आपको बाहर ड्यूट से मिलवाता हूँ जो एक सेंट बर्नार्ड है। उससे पहले मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देने आता हूँ। हमारी एक जो कैट है गोटी, वो तो रवीना ने अडॉप्ट कर ली है और इसका मैं नाम हर बार ये वो है क्रिस्टोफर वॉकन। साहिल इसका अपडेट इसका बताइए कि ये हाउस ये ठीक हो गई अभी ना, थोड़ा सा बच्चा इसका। तो अभी ये अडॉप्ट होगी, क्या है इसका स्टेटस? ये है तो वैसे नीमा की, नीमा ने भी ज्वाइन किया। ओके, तो हमारे यहाँ नीमा है जो हमारे यहाँ वॉलंटियर भी कर चुके हैं और एनिमल रेस्क्यू करते हैं, तो उन्होंने भिजवाई है, तो वापस उसी ही केयर में रिलीज होगी। ये कब आया? ये परसों पालमपुर से आया। इसका मेरे पास वीडियो आया था स्किन के, इसका मैंने फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो अब इसका तो इलाज वही आइवरमेक्टिन वाला ही चलेगा, पर यही है कि इसके बाद जैसे जब स्किन केसेस होते हैं तो इनका रिलैप्स बहुत ज्यादा हो जाता है, बेसिकली इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये बेस्ट ही होगा कि अगर ये अडॉप्ट हो जाए। उसके बाद ये नमस्ते बिंद्रेश, ये ड्यूड है, ये सेंट बर्नार्ड है, ये पालमपुर से रेस्क्यू हुआ है। तो इस समय खासा किसी को देख के खुश रहता नहीं सिवाय जो जो इससे थोड़ा फ्रेंडली हुई है। हाँ हाँ, तुम्हें अपने कहने का टाइम मिलेगा भैया। तो अभी क्या है कि बड़ी सारी अडॉप्शन कॉल आ रही है, सेंट बर्नार्ड है तो इसके लिए तो अडॉप्शन कॉल आनी ही है। तो अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं गुस्से वाला है, कोई बात नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी है, फिरोशियस है, अच्छा लगेगा। आप लोग ये भूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही बात हो गई ना कि गर्लफ्रेंड आपकी गुस्सा करती है तो पहले तो लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा तो तुम्हारे पे तो गुस्सा सूट करता है। 6 महीने हो जाते हैं शादी के तो फिर वही लगता है कि भाई तुम्हारी तो जबान बहुत चलती है। तो देखते हैं हम किसी ऐसे कोई अडॉप्ट करवाएंगे जो थोड़ा पर्सनैलिटी समझता हो, उन्होंने डॉग्स हैंडल किए हो। ये हनी बनी है और ये कीकी। कीकी का अभी हमें फाइनल अभी पता नहीं है कि इसकी शायद नर्व डैमेज है और हो सकता है कि इसका जो पैर है वो एम्प्यूटेट करना पड़े। जस्ट मैं साहिल से कंफर्म करता हूँ। साहिल इसका कुछ पता है? राइट, तो काफी अनफॉर्चुनेट बात है। ये सर्जरी होकर आई थी, मेरे ख्याल से सर्जरी के दौरान इसकी नर्व या कुछ कहीं डैमेज हो गई। तो अगर अब ये पूरी रिकवर नहीं करती तो इसके बाद फिर इसका एम्प्यूटेशन करके फिर इसकी रिकवरी दोबारा चलेगी। ये केनल के अंदर केज में इसलिए है बिकॉज इसको लिमिटेड मोबिलिटी पे रखना है। आज आप देखेंगे कि इस समय बाहर कोई गाय नहीं है क्योंकि रात से बारिश हो रही है। और मैं आपको फिर भी इन सबसे मिलवा देता हूँ। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये बेटी जी है, ये मीमी, शायद जो पहचान में ना आ रही हो बिना अपनी फर के। संजू भी आज चरने नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही है। और चार्ली का भी मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जिसमें ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, वो बाद में मुझे पता लगा क्योंकि संजू नहीं था इसलिए ये रो रहा था। ठीक है, डॉग एरिया में चलते हैं। साहिल चलेगा साथ मेरे या कुछ करने लगा है? कर ले, मैं तब तक बाकी गाय से मिलवा देता हूँ। आज जो हमारा अपडेट है सिर्फ इसी एरिया में ही रहेगा क्योंकि बरसात हो रही है। मैंने आपको बताया था दिनेश हमारा मेन गौ सेवक है, शक्ल तो दिखा दो भैया। ओके सॉरी, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। और इस समय ये शू वाले वैसे भी 3 या 4 हो गए हैं तो पहचान में आना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये हमारा याद होगा आपको कि ये हनुमान जी ने दरवाज़ा तोड़ दिया था, तो कल ये फाइनली हमने लोहे का दरवाज़ा यहाँ लगवाया है। होपफुली ये ज़्यादा चलेगा, खैर डिपेंड करता है किस तरह के बैल आते हैं। ये जो सारे बच्चू हैं ये इस समय एक साइड हैं क्योंकि फिर ये बड़े वाले जो गाय बैल हैं वो इनसे लड़ाई करते हैं और इनको हम इनके ग्रेजिंग एरिया में अभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनको फिर डायरिया लग जाता है हरा घास ज़्यादा खा के। ये जो बच्चू है पीछे, इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, इसका भी हमने नाम नहीं रखा। ये सीता है, ये नंदन है और पीछे गुरु। अभी कोई पूछ रहा था हाल ही में कि आप लोग इन्हें नहलाते नहीं हैं, तो देखिए आजकल तो हमारे पास वॉलंटियर्स की कमी के कारण ये जो एनरिचमेंट वाले काम है सारे
रुक गए हैं, प्लस हमारे पास इस समय 60 के करीब जानवर हो गए हैं और हमारी कैपेसिटी जो है वो 40 की है। इसका फीवर कम हुआ? ओके। तो डार्क चॉकलेट ने कल थोड़ा डरा दिया था हमें, इसका जो टेम्परेचर है 106 पहुंच गया था, लेकिन आज ये नॉर्मल है और अपनी माँ के साथ है और ये आज दोनों माँ बेटा माँ बेटी खुश हैं। अच्छा, कुछ जानवर जो यहाँ नहीं है मैं आपको उनके बारे में भी बता दूँ। अच्छा, बाय द वे बारिश रुक गई है तो ये सब बाहर आ रहे हैं। सारी जगह इनमें से जिस जिसके नाम मुझे बताएगा, ये इसका तो अभी नाम हमने रखा ही नहीं ना, इसका अभी हमने नाम रखा नहीं। इसके इस ये जो गाय है देखिए, इसके साइड पे ऐसे निशान है, ऐसे लग रहा है किसी ने इसको जैसे ग्रिल करने की कोशिश की है, बट जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हुआ होगा, इसके साथ कोई एक्सीडेंट ही हुआ होगा। खैर, ओके, ओह सब बाहर आ रहे हैं। ये अमूल है, ये देखिए अमूल की ये चोट है, मुझे नहीं पता इसको ये चोट कैसे लगी, पर सीरियसली ये इस समय क्यूटेस्ट माँ बेटी हैं जो हमारे यहाँ पे हैं। ओके, चलें, ठीक है, चलिए डॉग एरिया में चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो रिलीज़ हो गया है सनी पाजी, ही लोग के रिलीज़ हो गए हैं। सनी का हमने जब वो आया था तब एक वीडियो बनाया था। ये बाहर विनी खड़ी है, विनी मेरी फेवरेट फेवरेट पपी है, पर अब मैं इसके साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे अटैच रहूँ, क्योंकि मुझे पता है इसने जाना है, हम इसे सिर्फ फॉस्टर कर रहे हैं, हम इसे फॉस्टर कर रहे हैं। फॉस्टर करना एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि डॉग्स रखना आपके मतलब का है या नहीं है, तो आप फॉस्टर करेंगे तो आपको वो भी पता लग जाएगा। और कई बार अगर आपके अडॉप्शन घर में अलाव नहीं करते, आपके पास बहुत ज़्यादा एक जगह पे आप रहते नहीं, तो आप फॉस्टरिंग कर सकते हैं अडॉप्शन की बजाय। हाँ जी, ये जो डॉक्सी है ये भी डैश साउंड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, सॉरी, मेरी इंग्लिश इज माई सेकेंड लैंग्वेज। तो ये जो है ये भी उस दिन पालमपुर से ही आई है ना, हाँ आई है, हैं, हाँ पालमपुर से आई है, सेंट बर्नार्ड के साथ ही आई है। यहाँ से कौन रिलीज हुआ, यहाँ से वो गीदड़ कयोटी ना, यहाँ से गीदड़ जो है जिसको हम कयोटी भी कह रहे थे, गीदड़ भी कह रहे थे, वो रिलीज हुई है, जिसका वायर में गला था वो हील होके गई है। उसकी फोटो मैंने पीपल फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म पे शेयर करी थी। डग का डेफिनेटली वुंड पहले से बेटर लग रहा है। डग डग शक्ल तो दिखा दे भाई, हे, इसने अपने स्टिचेस निकाल दिए थे तो अब ये बिना कोन के भी छोड़ रहा है आराम से। ठीक है, तो हमने इसका कोन लगाना बंद कर दिया है, कोन वैसे ही तोड़ देता है। तुम मेरे को बाकी सारे एनिमल्स इंट्रोड्यूस कर दे सर। अब ये जो बाकी एनिमल्स हैं ये साहिल इंट्रोड्यूस करेगा। बताओ, थोड़ा ऊंचा बोल साहिल। ओके, क्या इसकी कंडीशन क्या है बता देना। इसकी कास्टेशन की है, बस अभी जाने वाला है एक दो दिन में। पर ये किस इंजरी के साथ आया था? ओके, तो जो ये पतलू है, अब ये देखिए इसको डॉग बाइट की वजह से मैगेट वुंड हुआ था। तो डॉग बाइट क्या होता है कि जब ये अनस्टरलाइज है, ठीक है, कोई फीमेल हीट में आती है, ये लोग लड़ते हैं, तो अब हमने इसको स्टरलाइज कर दिया, अब ये उस रेस से बाहर ही हो गया है। ये तो लोमड़ी है, लोमड़ी का क्या सीन है? इसको इन्फेक्शन था पांव पे, बूंद था, अभी हील हो गया, एक दो दिन में ये बाहर। पर ये तो मेल है तो इसका नाम लोमड़ी रखा हुआ है। कई बार जेंडर कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है जल्दबाजी में, पर खैर, तो अब इसको बस स्टरलाइज करना और रिलीज करना है। तो स्टरलाइज इसको हमने किया कि नहीं? अच्छा, डॉक्टर साहब छुट्टी पे। तो इस मौसम में स्टरलाइजेशन जो है ना, क्योंकि रिकवरी स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, तो इस मौसम में स्टरलाइजेशन थोड़ी ट्रिकी होती हैं। और वैसे भी डॉक्टर अंकित जो हैं, ही इज़ नॉट डूइंग सो वेल, उनकी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं है। ये रिंकी है, रिंकी का वूंड पहले से बेटर हुआ है। एक सेकेंड, वो डॉक्सी बाहर है क्या अभी? नहीं तो मैं रिंकी से मिलवाना चाह रहा था। हे रिंकी, अभी नहीं आ सकती तू बाहर। हे रिंकी, रिंक डिंक,
अभी ये एक्चुअली हम क्या करते हैं कि अभी ये सारे केनल्स में है ना, तो इन्हें एक एक करके मौका मिलता है बाहर आने का। इसीलिए जो हमारे दूसरे काव एरिया में जो हमने केनल्स बनाए हैं वो बेटर है, क्योंकि उसमें अंदर का कमरा अलग है और घूमने का कमरा अलग है। कर दिया अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको रिंकी से नहीं मिलवा सकता, वो जो डॉक्सी है बड़ी तेज है भाई, वो काटने की कोशिश कर रही है अभी। इधर कौन है मिलवाएगा इससे? जिसको मार मार के किसी ने खाया था दिख गया। ये कब आया? ये आया बुधवार। ओके, तो अब आप ये मुझे नहीं बता, अगर आप ये नहीं सुनना चाहते तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये वो है बेचारा, इसको किसी ने मार मार के इसके दोनों जो टांगे हैं वो तोड़ दी। तो अब ये ऐसे जो लोग हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको कुत्तों से नफरत है ना, तो आप उन्हें मार के खत्म कर देते, ये टांगे तोड़ के क्यों छोड़ दिया ना, तो आपकी बात बनी है और वो जो बेचारा है वो तड़पता रहेगा। पर ऐसे जाहिल उज्जड़ लोग होते हैं, इन्हें क्या समझ में आएगा। खैर, ओके, अब मैं वापस हम काव एरिया में चल सकते हैं। सारी गाय बाहर आ गई हैं और वहां पे मैं आपको मिलवाता हूँ। बाय द वे, एक कमेंट आ रहा था, बारी बारी दो तीन लोगों ने मुझे कहा कि मैं कैमरा बदलता हूँ, सॉरी, बारी बारी मुझे दो तीन लोगों ने मुझे पूछा कि भाई आप इस्त्री करके आपने शर्ट नहीं पहन रखी। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि कपड़े मुझे इस्त्री करके पहनने चाहिए भाई। लोग पैकेजिंग पहले देखते हैं, मैसेजिंग तो बाद में आती है, तो मतलब व्यवहार ठीक है, व्यवहार के साथ कपड़े भी ठीक होने चाहिए। वैसे तो मैंने एक वो नो रिंकल वाली शर्ट निकाल दी है, पर जो मेरे को एक बात थोड़ी अटपटी लगी, किसी एक ने पूछा कि भाई आपकी जो मिसेज है वो आपके नए कपड़े प्रेस करती। देखिए, उनको वो अपना काम देखें, वो प्रोडक्ट संभालती हैं, वो फार्म स्टे चलाती हैं, अकाउंट्स वो देखती हैं, मुझे तो बिल भी पे नहीं करना आता कोई, तो वो देखें या कपड़े प्रेस करें हैं, तो ये मुझे नहीं ठीक लगी बात। भाई आप मुझे ये कह दो कि आप सर खुद शर्ट प्रेस करके पहनो। पहले दो कमेंट यही थे, ये तीसरा मिसेज वाला कमेंट जो है मुझे थोड़ा जमा नहीं। ओ, ये बड़ा अच्छा ही ने। साहिल, इसकी पिनिंग तो नहीं हुई ना? इसकी नहीं, इसको स्प्लिंट किया, नर्व डैमेज है, इसको फ्रैक्चर नहीं है। नर्व डैमेज है? तो इसकी नर्व डैमेज ठीक होने का क्या चांस है? तो इसका कुछ पता है कि नर्व डैमेज क्यों है? ओके, आप लोग इसका भी कोई नाम सजेस्ट करिए। ये भी डार्क चॉकलेट का बड़ा भाई है, बहन है, बहन, ये भी डार्क चॉकलेट की बड़ी बहन ही लग रही है। देखिए, ये बेचारी चलने की कोशिश तो कर रही है। अब यही है ना कि ये लोग, आप पूछो सड़क पे कहाँ जाते हैं, अब ये तो बछिया है, बछिया भी लोग छोड़ रहे हैं। भाई ये दूध की जो कॉस्ट है बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो हम 25-30 रुपए बाजार में देते हैं थैली के, वो नहीं है ट्रू कॉस्ट। ट्रू कॉस्ट ये है, ये जो बेचारी बचिया है जो चलने की कोशिश कर रही है और चल नहीं पा रही, कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी, और ठीक नहीं होगी तो फिर बताओ ना क्या कहूँगा मैं। जाऊँगा मदर डेयरी के पास, जाऊँगा अमूल के पास, जाऊँगा वेरका के पास, जाऊँगा किसके पास जाऊँ, पारस मिल्क वालों के पास जाऊँ। खैर ठीक है, तो ओहो ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं कि भाई आपने हमारी फोटो नहीं ली। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हेनरी जो था तीन पैर वाला डॉग, रिमेम्बर मैंने कहा था कि वो अडॉप्टेबल नहीं है, वो रिलीज हो गया था। हाय बेबी, वो रिलीज हो गया था और उसके बारे में फ़ोन आया कि उसको फिर चोट लग गई है, उसको मैगेट वूंड हो गया है, पर वो अभी हमें मिला नहीं है। मिलेगा, आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अच्छा एक सेकंड, ये फर्राटा है, हैं? इसकी इंजरी कितना टाइम रह गया इसके रिलीज में? तो 10-1 दिन में ये फर्राटा भी रिलीज हो जाएगा। मुझे आप बताइएगा कि क्या हमारी ये जो अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी है थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए क्या, क्योंकि कई बार मैं सिर्फ आपको यही बताता हूँ कि ये रिलीज हो गया है, और रिलीज होते हुए का मैं आपको दिखा नहीं पाता, फिर वो बाद में एक रिकॉर्डेड वीडियो में ही आता है। तो ये ज़रूर बताइएगा कि क्या हम अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, या पूरा हफ्ता एक बंदा हो जो डेडिकेटेड रहे, जो रिकॉर्ड करता रहे, और हफ्ते बाद हम फिर आपको एडिट करके पूरा दिखा सकें कि ये आया ये जा रहा है, मतलब वो उतना रियल, वो
और ज्यादा रियल टाइम हो जाएगा पर एडिटेड होगा। एक और छोटा सा कमेंट था जो थोड़ा मुझे चुभा था, मैं उस बारे में बात करना चाहूंगा। एक कोई मुझे कह रहे थे कि भाई आप इंग्लिश में किया कीजिए और आप और सभ्य समाज तक पहुंचेंगे। ये बात मेरे को बड़ी अंदर तक चुभ गई कि भाई इस बात का तो मुझे, मैं जब छोटा था ना मुझे भी लगता था कि जो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं वो ज़्यादा सभ्य होते हैं। बाद में मुझे समझ में आया कि भाई हमें अंग्रेजी तो कच्ची पक्की आती है तो शब्दकोश हमारा कम रहता है, तो पूरी बात हम कर नहीं पाते। पूरी बात जब करते नहीं, कोई बोलता कम है तो ज़्यादा सभ्य लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ज़्यादा सभ्य होते हैं, मतलब मैं हिंदी में बात करता हूँ, इतने मेरे भाई लोग हिंदी में बात करते हैं, हम असभ्य थोड़ना है। बस ये है कि हिंदी में हम फ्लुएंटली खुल के बात कर पाते हैं। खैर यही था आज का अपडेट। फार्म में तो मैं आपको ले जा नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा गीला है और सारे जो हमारे बच्चे हैं ये सारे यहीं पे हैं। तो कल 12 बजे Q&A होगा, यानी कि संडे 12:00 नून में Q&A होगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो भी आपके सवाल होंगे, जो आज चीज़ें रह गई हैं, फिर हम उस बारे में तब बात कर लेंगे। संजय भैया ने मुझे पॉइंट आउट किया कि भैया Q&A क्या होता है। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब। तो कल सवाल जवाब हैं। अब मैंने वीडियो एक दोबारा शुरू किया ही है तो मैं आपको हमारा जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं इस समय बरसातों का मौसम है वो भी दिखा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि केले और तूत ये इस समय लगा रहे हैं, बाकी तो गाँव में जो ब्लॉक होता है हैं उस ब्लॉक में इस समय अमरूद के पेड़ आ रखे हैं, नींबू के आ रखे हैं और आंवले के। तो बरसात में अलग तरह के पेड़ लगते हैं, सर्दियों में अलग तरीके के लगते हैं, तो हम कुछ तो ये पेड़ लगा रहे हैं। और ये देखिए ये हमारा फूड फॉरेस्ट है, ये खूब इस समय घना होता जा रहा है। इस समय हमारे इस मौसम में आम कम लगे हैं और अमरूद लेकिन फिर भी लगना शुरू हो गए हैं, अभी पके नहीं हैं। उमदा दीदी अपनी शक्ल तो दिखा दो एक बारी, सब आपका पूछता रहते हैं। ममता दीदी है, ममता दीदी हमारी शेफ है और पड़ोस में रहती हैं। आंटी आंटी ना हो तो हमारा तो सारा घर ही गंदा लगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ कि चूल्हे पे क्या चल रहा है। आ फाइनली ये हमारी खिचड़ी बन रही है जिसमें दाल चावल है। सब्जी डाली है आपने कोई? कौन सी? घिया डाला है। बीच बीच में हम चुलाई के पत्ते वगैरह भी डाल देते हैं। ये हमारे घर का खाना बन रहा है, ये जो कि सारा सरसों के तेल में बनता है। और ये क्या बन रहा है? दाल डॉग्स की? नहीं नहीं, अच्छा ये हमारी दाल बन रही है। अच्छा प्रोडक्ट्स की छुट्टी है, शनिवार है तो प्रोडक्ट्स टीम छुट्टी पे है। खैर तो ये सोलर कुकर बस निकाल ही रखा है, मुझे लगता नहीं आज काम करेगा, आज तो धूप छांव ही चलेगी। इसमें डॉग्स के लिए कुछ कुकीज बन रहे हैं, मैं अब आपको ले जाता हूँ। बाय द वे ये मैं आपको फार्म में दिखाता ही जाता हूँ। इस समय पपीते लगे हैं तो पपीतों को तो हम पकने नहीं देते, हरे पपीते का सलाद बनता है। अभी किसी ने हमें बताया था कि पराठे भी बनते हैं। सनफ्लावर तो हमने शौकिया उगा रखे हैं, ये सारी लेमन ग्रास उगा रखी है। लेमन ग्रास वन ऑफ द इजीएस्ट चीज़ है जो आप घर में उगा सकते हैं। लेमन ग्रास, एलो, बेजिल, ये लगी भिंडी, तो कुछ भिंडी हमने बीज के लिए छोड़ दी है। और भिंडी का क्या है कि एक बार ही पूरा देने के बाद जब ये सूख जाएगी इसको थोड़ा काट देंगे तो फिर ये एक फसल और देके जाएगी। मैंने सुना है बिहार साइड तो ये दो दो फसलें लोग ले लेते हैं। हाँ जी मटको, हाँ हूँ क्या, और वो पीछे लैला, ये रविंदर है। रविंदर इस समय सारा, अब इस समय बरसातों में क्या है कि घास इतनी उगती है तो रविंदर तो इसी में ही परमानेंट लगा है। ओके ये तो हमारी मिर्ची लगी है, मिर्ची तो हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो हम सारी सुखा लेंगे। सूखी हुई मिर्ची और सूखे हुए लहसुन की बहुत बढ़िया चटनी बनती है, प्रिजर्वेटिव फ्री, जिसमें हम मिलाते हैं अपना सूखी हुई चटनी, सूखा हुआ लहसुन, कुछ तेल, थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर, नींबू थोड़ा सा और ऑरेगानो, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं और ये सही रहता है। ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था हमारा तन, इसमें अब घी है, तोरी, ये सब निकल रहे हैं। एक आध कहीं कोई कद्दू भी लटका होगा पर मैं इसके अंदर इस समय जा नहीं रहा, सब कुछ बहुत गीला है। देखिए गीली मिट्टी पे कभी भी नहीं चलना चाहिए, हम तो खैर बेड्स पे वैसे ही नहीं चलते, पर अगर गलती से पैर आ जाए तो जब गीली आप मिट्टी पे चलते हैं तो वो टोटली कंप्रेस हो जाती है। मिट्टी जो है इट्स नॉट सॉलिड, मिट्टी एक मिश्रण है एयर, लिक्विड और सॉलिड का, तो जब आप उस पर पैर रखते हैं तो उसके सारे एयर गैप्स खत्म हो जाते हैं, उसमें सारा मॉइस्चर निकल जाता है और वो मर जाती है।
खैर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो सारी सूखी डंडियाँ आपको दिख रही है ना, ये बीच में लगी हुई जिसमें भूरे भूरे पत्ते हैं, ये सब तूत की टहनियाँ हैं, तूत सॉरी शहतूत जिसको इंग्लिश में मलबरी कहेंगे, और ये गाय के लिए बहुत अच्छा फॉडर है। तो हम तो जितना हो सके पेरेनियल चीज़ें लगाते हैं, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ हाथी घास भी हमने बहुत लगा रखी है, तो इसको ही हम काट काट के पूरा साल गाय को खिलाते हैं। जो बड़ा सा झाड़ सा है ये हाथी घास है, मैं अब आपको तूत के पास लेके चलता हूँ। तो तूत इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रीज टू ग्रो, आप उसकी टहनी काटिए इस मौसम में लगा दीजिए और ये 99% निकल आएगा। ये देखिए ये टहनी हमने पिछले साल गाड़ी थी और ये निकल आई है। इस पेड़ को मारना बड़ा ही मुश्किल है, तो अगर आप कहीं भी कुछ भी ग्रीन करना चाहते हैं तो शहतूत लगाइए। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ जो नीचे खड्ड है जो स्ट्रीम है उसमें परले साइड वाला जो गांव है उन लोगों ने वृक्षारोपण कर रखा है, हमारी साइड में बिल्कुल वृक्ष है नहीं। तो मैं एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले कर वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। एक बार लॉकडाउन खुले कुछ वॉलेंटियर्स भी आ जाएंगे, कुछ रहने का इंतज़ाम भी हमें करना पड़ेगा, फिर हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो ठीक है, मैं ये वीडियो एंड करूँगा। मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको, जो आप लोग हमसे नए जुड़े हैं, मैं आप लोगों को अपना योगा एरिया दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस योगा एरिया में मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, योग एरिया और योग करते हुए तो नहीं टाइम स्पेंड करता, बस बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पर। बाय द वे ये देखिए, ये आपका जंगली जैस्मिन, ये अपने आप ही निकल आता है, इसकी खूब अच्छी खुशबू होती है, उतनी तो नहीं जितनी जो हाइब्रिड जितना जो नॉर्मल जैस्मिन मिलता है नर्सरीज में, पर फिर भी बहुत अच्छी खुशबू रहती है और ये अपने आप निकलता रहता है। ये वो मौसम है बाय द वे जिसमें अब बांस भी निकलना शुरू हो जाएंगे, तो बांसों को जो कच्चे ताज़े बांस होते हैं उन्हें आप खा भी सकते हैं। YouTube पे एक चाइनीज़ महिला है जिनका बड़ा अच्छा वीडियो है बांस को कुक करने के बारे में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं देखता हूँ कहीं कोई बांस निकल रहा हो तो मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा ये देखिए, तो ऐसे बांस निकलता है, अपने आप निकलता है और ये बहुत जल्दी उगता है, ये एक दिन में एक एक मीटर पार कर जाता है। बांस की दो वेराइटीज़ होती हैं, रनिंग और क्लम्पिंग, ये वो है क्लम्पिंग बांस है, तो ये क्लम्प इसका फैलता जाता है। हमारे यहाँ फूड फॉरेस्ट में रनिंग वेराइटी भी लगी है, मैं आपको इसकी इस एरिया की छत दिखाता हूँ जो नेचुरली ही बनी हुई है, और इसी नोट पे एंड करते हैं। बाय।